हेलो अंकल, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ आशीष अंकल, कल आओगे? नहीं यार, मैं तो 7 बजे तक, सुबह 10 से 7 बजे तक कम से कम 200 पेशेंट देखे हैं। 5 दिन 6 दिन इतना एग्जॉस्ट हो चुका ना, मैं संडे को क्लोज कर दिया यार, हिम्मत नहीं। रोज 20-30 पॉजिटिव पेशेंट देख रहा हूँ कोरोना के, इतना कोरोना आ रहा है। बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे तो फर्स्ट फ्लोर वाले को है। नहीं लेकिन सब ठीक हो रहे हैं, किसी को भर्ती की जरूरत नहीं है। मैं तो अब तक 75 ठीक किए हैं बिना भर्ती के, होम क्वारंटाइन और दवाई देके। ये सर मीडिया ने हवा बना रखा है, कुछ नहीं कोरोना। तो मैं बता दूं, मैं कोरोना से पता है किसके लिए दिक्कत है? सिर्फ उनके लिए जिनकी 65 प्लस है, जिनको अत्यंत तुम्हारी मम्मी है, जिनको लंग्स वीक है, बस। और किसी उनको बच के रहना है बस। तो मैं, मुझे हो जाए, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप ठीक हो जाएगा, बस टेबलेट खानी है अगर हो गया तो। अंकल जिसके जिसकी सांस की नली में वो कहते हैं वो बन जाती है बर्थ, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है बाहर के देशों में तो यही दिखाया, जिनकी सांस की नली में नहीं, गलत समझ। देखो सुनो मेरी बात, मैं तो यार डेली कॉन्फ्रेंस वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, एक एक दो दो घंटे की डेली, इसमें नॉलेज बढ़ती रहे। कुछ नहीं है, जिनको ना एलर्जी की दिक्कत रहती है ना, एलर्जिक राइनाइटिस बीमारी होती है, वो तुम्हें नहीं है, साइनोसाइटिस पुरानी। उनको क्या होता है, नाक से लेके और लंग्स तक ना, ये अभी नहीं शुरू से बीमारी है, हमेशा एलर्जी रहती है। तो उनको ना वायरस चिपकता रहता है और एक परत बना देता है अंदर तक, फिर वो परत से सांस की कैविटी में, लेकिन वो लाखों में किसी एक को होता है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। वो तुम्हारे घर में किसी को नहीं, मुझे पता है, मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। अच्छा, समझ गए। ऐसे नहीं परत बनती, जिनको ऑलरेडी ये इस तरह की एलर्जी राइनाइटिस की बीमारी है ऑलरेडी, सिर्फ उनको हो रही। मैं वो ही कह रहा हूँ, ये जो व्हाट्सएप पे और न्यूज में आ रहा है, इनएडिक्वेट नॉलेज दे रहे हैं, कम्प्लीट कोई नहीं दे रहा है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इम्यूनिटी मेंटेन रखना है। और ये अब जो कोरोना अब आ गया ना, अब चल रहा है जो, ये बहुत लो लेवल का है। अच्छा, जो बड़े लेवल का था वो खत्म हो चुका है, खत्म हो गया, मतलब उसकी जो कहते ना घातक था, मरने की शक्ति कमजोर हो गई है, मतलब वायरस कमजोर पड़ गया है बहुत बहुत सारे, लेकिन वायरस की ना पावर कम हो गई है, तो लोग मरने के तो बहुत ही कम केस हो रहे हैं। अब क्या चक्कर है, जैसे कोई लोग हार्ट अटैक मर गया, कोई अस्थमा से मर गया, खबर ये फैली जाती है माहौल में, हाई जी कोरोना से मर गया, असलियत किसी को नहीं पता। अब जब कोरोना नहीं था तब भी जो परसेंटेज थी मरने की दिल्ली में और इंडिया में, लाख रोज के हिसाब से लाख लोग मरते थे, अब वो लाख भी मर रहे हैं तो कोरोना, समझे मेरी बात। तो ये सब ना हौच पोच हो रहा है। अभी मैं अभी तुम्हारा फोन भी वो तुम कर रहे थे, मैं कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, आजकल मिल तो सकते नहीं है। हाँ जी, हाँ हम डिस्कस कर रहे थे, सारे कम से कम 50 डॉक्टर थे 10 दिल्ली के, तो वही डिस्कस है। लोगों में ना गलत फहमियां हो रही है, मीडिया फैला रहा है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं है। आपने रात को हल्दी डाल के दूध पीना है, ये अमेरिका भी कह रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी है, दिन में 3 से 4 बार तुलसी का पत्ते मुंह में रखने हैं, ठीक है, आंवला खाओ या आंवले का मुरब्बा खाओ, विटामिन सी कहते हैं, नींबू पानी दिन में 5-7 बार पियो, तुम्हारे अंदर विटामिन सी चला गया, तुम्हारी इम्यूनिटी बन गई, कोरोना के कोरोना का बाप भी तुम्हारे पास आएगा ना। एक बार बता, मैं डेली 150 पेशेंट देखता हूँ, सबसे अधिक तो मेरे को है, सोच रहा है मेरे को सबसे रिस्क है। मुझे पता है ना कैसे करना है, मैं 2 घंटे वॉक करता हूँ डेली, मैं वहां से आता हूँ, अब मैं 6 से लेकर 8 बजे तक वॉक करता हूँ, अच्छी वॉक करता हूँ, फिर खाना खाया मैंने, अब मैं दोबारा वॉक कर रहा हूँ। हाँ, वो तो पता ही पता है, वॉक करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जो मैं तुम्हें बताया वो खाते रहो, मैं कहा कोरोना मेरे पास आ भी जाएगा ना तो मेरी एंटीबॉडी मार के भगा देंगे इसको। जो जो आप बता रहे हो, जो नीम का पत्ता जो बता रहे हो, नीम का पत्ता बता रहे हो किसका? नहीं नहीं, पत्ता का पता है, तुलसी। तुलसी बहुत, तुलसी तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है इसमें, तो ये इसे चबाना नहीं है, मुंह में चबाना तो है, चबाना। अच्छा, अगर तुम उसको नहीं चबा सकते, तुलसी अर्क आते हैं, तुलसी अर्क वगैरह आता है रामदेव वगैरह का, वो आप लो और उसके 5-6 बूंद आप अपना पानी में या दूध में डाल के दे लो, बच्चों को पिलाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओके ओके, देखो कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है कोरोना किसी को कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, इस टाइम तुम रोड पे से 100 लोगों को उठाओगे ना, जो खांसी जुकाम नहीं है, उसमें 80 को कोरोना मिलेगा, उनको पता भी नहीं है, वो आ भी गया और ठीक भी हो गया तुम्हें पता ही लगेगा, क्योंकि खांसी नहीं, टेस्ट नहीं करा रहे, शायद मुझे भी हो, शायद तुम्हें हो, अभी किसी को नहीं पता। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखो, 5 दिन बाद अपने आप ही गायब हो जाता है, तो ये समझ लो, तुम डरो मत बिल्कुल भी।
इम्यूनिटी अच्छी रखो बस है ना। पानी को पियो, न्यू पानी बना नहीं, बार बार बना बना के दे न्यू पानी। चिल्ड पानी कम से कम पियो, नॉर्मल टेम्परेचर पानी पियो या थोड़ा सा मिक्स कर लो बस, चिल्ड नहीं पीना पानी। ठीक है, इस तरह का रखना है। ड्रिंक तो हफ्ते में एक दिन ही करती मैं तो। हाँ, एक तो एक देखो हफ्ते में एक बार, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिमिट में करोगे, लेकिन डेली करोगे तो उसके उससे क्या होगा, थोड़ा नहीं बढ़ेगा लेकिन आपकी ना इम्यूनिटी कम हो जाएगी बॉडी। हाँ, वो इम्यूनिटी के चलते इम्यूनिटी रखनी है मेंटेन। यार ये समझ आ गया मुझे, कोरोना से इम्यूनिटी रखनी है। अब मेरे ग्रुप के 90% डॉक्टर डर के बारे बंद करते हैं। मैं डेली देख रहा हूँ और सबसे ज्यादा ही देख रहा हूँ शायद दिल्ली में, मेरे कोई पेशेंट नहीं देख रहा होगा। मैं अपनी बड़ी बात नहीं कह रहा, सारे डॉक्टर कह रहे तो इतने देखते हैं, तो मुझे फंडा समझ आ गया यार, कुछ नहीं होगा ऐसी फंडा समझ आ गया। सबसे बड़ी बात है ना, आप इंटेलिजेंट भी तो नहीं, इंटेलिजेंट बात नहीं है, चीजों को समझ। देखो एक बात बता, पकड़ वो, हाँ, अगर मुझे पता है। अगर बैठ जाएंगे, देखो भगवान कसम मैं इसलिए नहीं बैठा, मुझे कमाना है फ्रेंकली। मैं कम से कम 30 पेशेंट फ्री देख रहा हूँ, तो पता है मेरे भी कैसे है। यार अगर हम इस टाइम डर के बैठ जाएंगे तो कोरोना के अलावा जो सारी बीमारियां हैं, मरीज जो आ रहे हैं उनका होगा क्या? तो मेरे पास 20 साल से मरीज आ रहे हैं, हम उनको ट्रस्ट है बेचारों के, मेरे अलावा कहीं जाते मैं आराम से सो जाऊं घर पे, भगवान ने बहुत पैसा दिया, नहीं भी करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि इस टाइम हमें धोखा नहीं देना चाहिए मरीज। मैं सबसे डॉक्टर फ्रेंड्स को बता रहा हूँ, देखा यार चल चाहे तुम कैसे भी जाओ, पेशेंट तो देखो अपने, वो किस पे डिपेंड होंगे? सरकारी वाले धक्के मार के भगा रहे हैं, मरीज जाए तो जाए कहाँ? मेरे पास इस चक्कर में रानीबाग पीतम्बर को पता है हॉस्पिटल खुला हुआ, वहाँ देख लेते हैं, एक मन को तसल्ली भी होती है यार। तो फिर पापा के पास साथ परसों आपके पास क्या, पापा क्या हो गया? पापा कह रहे हैं पैर में पानी भर रहा हुआ है, किसी ने बताया डॉक्टर ने, पापा परसों तरसों गिर गए थे तो वो गुम चोट लगी है, पापा मलवाने वाले पे गए। अरे यार मलवाए बिल्कुल ना, एक पैर पे दोनों पैर पे, एक पैर पे परसों गिर गए थे ना वो पत्थर से, घुटने पे है या एंकल जॉइंट पे, कहाँ हुआ है अंकल मुझे नहीं पता, मैं देखने भी नहीं गया घर पे, मैं बाहर काम कर रहा हूँ। मेरे को पिक भेजो, मैं देख के बताता हूँ क्या है, तो मैं कल भेजूंगा, पापा तो सो गए। हाँ कल भेजना, कल भेज के बताता हूँ, तो मैं फोन पे बता दूंगा, नहीं आना पड़ेगा ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा, नहीं तो मैं फोन पे समझा दूंगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, कोरोना के अब कोई डरे नहीं बिल्कुल भी? अरे नहीं डरना यार, पता नहीं क्यों लोग डरे हुए हैं। ठीक, बिल्कुल मत डरो। नहीं अब वही करूंगा, हल्दी वाला दूध पियेंगे और इम्यूनिटी बढ़ाओ। मैं एक ही फंडा है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कहते ना आपकी आपकी सुरक्षा आपके हाथ में भैया। वॉक किया कर आशीष, बता रो मैं, चलो वॉक करनी चालू कर दूंगा, बहुत जरूरी है यार। मैं तो इसलिए नहीं कर रहा, गली से बाहर निकलो हर जगह पोस्टर लगा हुआ है कोरोना पॉजिटिव। यार ये तो लोगों में है, मैं कोरोना हवा में नहीं है भाई, हवा में थोड़ी है, इट इज नॉट एन एयरबोर्न इन्फेक्शन। कोरोना का मरीज आपके ऊपर खांसे खानी और आंख में मास्क नहीं बैठा जब तक थूक के ड्रॉपलेट आपके अंदर नहीं जाएंगे, कोरोना नहीं होता, ये समझ लो सब लोग। Okay. नहीं समझ पा रहे लोग, नहीं होता कोरोना से। अब इम्यूनिटी में तो नहीं है ना, जैसे ये कहते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा था, ह्यूमन टू ह्यूमन भी नहीं, तभी भी नहीं हुआ ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे हुआ था, मेरी बात समझो। सपोज मुझे कोरोना है ठीक है जी, मैंने खांस दिया, आपने मास्क आपके पास पहुंच गया पहला, दूसरा सपोज मुझे कोरोना है, मैंने खांसी की, मेरे हाथ पे वो कीटाणु चिपके रह गए 7 घंटे तक, वो हाथ मैंने आपसे मिलाया, वो हाथ थोड़ी देर बाद आपने अपने मुंह पे रख लिया, ये नाक पे ऐसे जाता है चिपकने से। अगर आप तब क्यों कहते हैं बार बार हाथ धोने का, अगर बाय चांस आपने कोरोना वायरस से हाथ मिला भी लिया और आपने हाथ धो रखे हैं तो आपका नाक में दो तीन रूट हैं बस, मुंह नाक और आंख, अगर वो हाथ बार बार धोते रहे तो कोरोना कैसे जाएगा आपके अंदर? हवा में नहीं है, समझो यार, हवा में नहीं है, टच करके भी, टच अगर आप हाथ वो नाक पे रखोगे मुंह तब एंटर करेगा। समझ गए, ये फंडा नहीं पता लोगों को, डॉक्टर को भी नहीं पता, साले पागल बना रहे बिल्कुल। टच से कुछ नहीं होता, तुम गले भी लग जाओ कुछ नहीं होगा, जब अगर आपने किसी कोरोना को टच कर लिया, इसलिए कहते हैं किसी भी अननोन बंदे से आप मिलो ना, आप सैनिटाइजर यूज करो तुरंत, साला कोरोना पे तो भी नहीं आएगा। ये बात समझ गए ना? मैं समझ गया। और कुछ नहीं करना, तुम बाहर वॉक करो, पार्क भी खुल गए अब तो, पार्क में जाओ वॉक करो भाई, इस टाइम वॉक इतना जरूरी है, जिस आदमी में वॉक करे ना समझ लो उसकी इम्यूनिटी 5 times बढ़ जाती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ गई तो कोरोना वोना आता रहे साला, खुलेआम घूमो कुछ नहीं होता। सही। तुम पता है हम यहाँ पर हैं अपने, हमारा फार्म हाउस है फ्रेंड का यहाँ पर 17 सेक्टर में, हम डेली एक दिन तो मैं 6 से 8 खेलता हूँ, सुबह हम 7 से लेकर 9 बजे तक, उसमें 3 तो SHO है, एक तो मेरे एरिया का है, 3 मेरे फ्रेंड है, 2 ACP है, एक समय प्रभाल दी भवि भाटिया, 1 ACP और 5 डॉक्टर, हम 15 लोग और वो 5 वैसे हैं, हम 15 लोग डेली 6 से 8 क्रिकेट खेलते हैं भयंकर।
अब देखो बॉल भी जाती है, हम हाथ भी लगाते हैं, हाँ, सब समझ आ रहे हैं, सब पढ़े लिखे, सबको फंडे पहले समझा दिए। डेली खेलते हैं 6 से 8 सुबह सुबह, 2 घंटे विग्रस क्रिकेट खेलते हैं, और तुम जैसे लोगों पे हंसते हैं, लोग कितने बेवकूफ है, बुरा मत मानना, ये बात बता रहा हूँ मैं, तो कितने बेवकूफ है, डर रहे हैं, हम खुलेआम खेल रहे हैं। लगातार जब से शुरू हुआ है लॉकडाउन, हमने फार्म हाउस बंद कर दिया, अंदर से लॉक कर दिया, काम तो है नहीं फार्म हाउस में, बहुत बड़ा ग्राउंड, हम क्रिकेट खेलते हैं, अपने बच्चों को ले जाता हूँ, वो अपने बच्चों को ले आते हैं 15-20 लोग के, मैं बकायदा क्रिकेट खेलते हैं, कॉस्को भी बैठते हैं। तो हम भी तो मिसगाइड ही हो रहे हैं ना, जो ये मिसगाइड हो रहे हैं लोग, मीडिया ना बरगला रही है। अब जैसे आपकी बात हुई है मेरे से, अब मेरे अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप आ जाएगी। मेरे को टाइम इसी लग रहा है, मैं अपने पेशेंट को भी दवाई से ज्यादा काउंसलिंग कर रहा हूँ, जो लोग नहीं करते, मुझे 5 रुपए फालतू में सबको काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस, हम लोग अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे ना सोसाइटी में, तो लोग और डरे रहेंगे। मैं मेरे मैक्सिमम पेशेंट बात करके इतने खुश, डॉक्टर साहब आज हम तसल्ली हो गए कोरोना के बाद भी, मैं अवेयरनेस समझा रहा हूँ, मैं कहा तुम भी 10 लोगों को बताओ, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ आशीष, और 10 लोगों को बताओ, ताकि हमारी सोसाइटी, यार हमारा, हमारी सोसाइटी में ये जो फेक न्यूज फैल रही है ना, छूने से जी और ह्यूमन टू ह्यूमन, दिस इज ऑल रॉन्ग, सब गलत। हम 1 महीने से रेगुलर खेल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यार, पूरे दिन धूप से पार्क सारा सैनिटाइज हो गया, वो बंद रहता है, हमें पता है, हम कर, मैं फंडे में समझाता हूँ, एसीपी साहब कहते हैं यार डॉक्टर साहब एक बात बताओ, यहाँ क्या कोरोना आ जाएगा, मैं कहा कोई आदमी आया रात को, मैं कहा नहीं, मैं कहा शाम तक धूप कितनी थी कि बहुत तेज, मैं कहा धूप से बढ़िया सैनिटाइजर को है नहीं, पूरी जमीन को सैनिटाइज कर दिया। चलो बात तो सही है यार, मैं कहा फिर सोचो ना, और यहाँ कोई आता नहीं है, हम ही खोलते हैं, रात को जो दोस्त है मालिक, उसका मालिक वो खोलता है, हम सब आते हैं खेल के चले जाते हैं, अब सब डेली आते हैं हम खेलने, और खूब इंजॉय करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ रही है, गप्पे भी जाती है, और डर खत्म हो जाता है। तो आप डर निकालो, लोगों जो जो मिले उनको ये सब बातें बताओ भी सोसाइटी की हेल्प के लिए, ठीक है। बाकी पापा के मेरे को भेज देना कल, मैं बता दूंगा, जरूरत पड़ी तो, नहीं पड़ेगी तो मत आना, बिना बात क्या जरूरत है, आना जाने मत करना, मैं फोन पे बता दूंगा भाई। ठीक है अंकल, ठीक है, चलो टेक केयर भाई, थैंक यू अंकल, ओके वेलकम।